तो हेलो दोस्तों, अगर आप 12वीं के बाद जो है पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं यानी पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं 12वीं क्लास के बाद, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए, ज़रूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आप 12वीं के बाद जो है एक पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस विभाग में नौकरी कैसे कर सकते हैं, कि आपको इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या होता है ना दोस्तों, हम 12वीं क्लास कर लेते हैं पर सोचते हैं कि यार मैंने तो सिर्फ 12वीं क्लास करा है, इसके बाद जो है ज्वाइनिंग कैसे होती है पुलिस विभाग में, हम ज्वाइनिंग कैसे लेंगे, कैसे क्या करेंगे, पुलिस कैसे बनेंगे, तो आपको इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, 12वीं के बाद पुलिस में नौकरी पाने के लिए आवश्यक योग्यता यानी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए 12वीं के बाद आपको पुलिस में नौकरी करने के लिए। और हाँ दोस्तों, आपको इसमें एक एक पॉइंट करके समझाया जाएगा यानी पूरी जानकारी दी जाएगी, एक एक पॉइंट आपको मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, कहीं से भी कुछ मिस मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो योग्यता मांगी जाती है 12वीं के बाद पुलिस में नौकरी के लिए, वो मांगी जाती है उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है, जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है पुलिस में नौकरी करना चाहता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12वीं क्लास पास होना चाहिए, यानी आपने 12वीं किसी भी क्लास से कर रखी है, मतलब किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, साइंस साइड से कर रखी हो या फिर कॉमर्स से कर रखी हो या फिर आर्ट्स साइड से कर रखी हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना यार, इसमें मैंने तो साइंस साइड से कर रखी है, क्या मैं पुलिस बन सकता हूँ, क्या मैं आर्ट्स साइड से कर रखी है क्या मैं पुलिस बन सकता हूँ, या फिर मैंने कॉमर्स से कर रखा है क्या मैं पुलिस बन सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आपने 12वीं क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास कर रखी हो, आप पुलिस बन सकते हो। और देखिए दोस्तों, उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, यानी देखिए दोस्तों, आप जैसे पुलिस बनना चाहते हो तो आप जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट होने चाहिए। और देखिए दोस्तों, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष होनी चाहिए, वही अधिकतम आयु अलग अलग पदों के अनुसार होती है यानी कि देखिए, जैसे आपकी कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए किसी पद पे जाने के लिए, है ना। और अधिकतम आयु जैसे आप SC से बिलोंग करते हो या फिर OBC से या ST से यानी अनुसूचित जाति में आते हो, है ना, या फिर किस में आते हो, किस वर्ग में आते हो, उसकी हिसाब से आयु सीमा तय की गई है सभी के लिए अलग अलग। इसके बाद हम हाइट की बात करें तो हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए यानी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आरक्षित उम्मीदवार को कुछ छूट दी गई है, ओके, वो छूट भी आपको पता चलेगा, सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों, 12वीं के बाद पुलिस बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या आपको करना होगा, कैसे क्या करना होगा, ये सभी जानकारी बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 12वीं क्लास पास करने के बाद सिर्फ हम कॉन्स्टेबल ही बन सकते हैं और भी पद पर कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आप जो है किसी और पद पर भी आवेदन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 12वीं पास करने के बाद कॉन्स्टेबल ही बनो। देखिए दोस्तों, अधिकतर अभ्यर्थी को लगता है कि पुलिस विभाग में 12वीं के बाद सिर्फ कॉन्स्टेबल की ही नौकरी मिल सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि 12वीं पास उम्मीदवार को पुलिस विभाग में कई अन्य पद भी मिल सकते हैं। 12वीं क्लास बाद पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, PSI और SI आदि पद भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि PSC और SI पदों के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास मांगी जाती है। समय के साथ किसी भी नए बदलाव की जानकारी के लिए आप अपने राज्य के पुलिस विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए अब मैं आपको लाइन वाइज सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है ना। मैंने आपको योग्यता बता दी थी, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ये दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पुलिस भर्ती के लिए दौड़ कितनी होती है। देखिए दोस्तों, पुलिस भर्ती के लिए जो फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, तब 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होती है। महिलाओं को 2.5 किलोमीटर की दौड़ 2.5 किलोमीटर की दौड़ 15 मिनट में पूरी करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाला जो है पुरुषों के लिए था 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और 2.5 किलोमीटर की दौड़ 15 मिनट में, ये महिलाओं के लिए है, ओके। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं पुलिस बनने के लिए हाइट कितनी चाहिए और सीना कितना चाहिए, यानी चेस्ट हाइट, यानी चेस्ट कितनी चाहिए, छाती और हाइट कितनी चाहिए, पुलिस महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, दोनों के लिए बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूं, आपको जो है 12वीं के बाद पुलिस कैसे बनना है, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, पेपर कौन कौन से होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में जो है पूरी आपको अच्छे से नहीं बताऊँगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना कैसे, उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ।
देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फ़ोन का कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है और ऊपर लिखना है आपको www.2theinformation.3। इतना लिख आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिख के सर्च करोगे, आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट मिल जाएंगी बहुत सारी, 12वीं के बाद पुलिस कैसे बने हैं ना, पुलिस कैसे बने हैं। देखिए तो आपको जो भी आपको पोस्ट 12वीं के बाद आपको पुलिस बनना है ना, तो इस पोस्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी दी गई है आपके एग्ज़ाम के बारे में, पेपर के बारे में, और सब्जेक्ट आपको कौन सा पढ़ना चाहिए है ना, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप इस साइट पर एक बार ज़रूर आइएगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। क्योंकि दोस्तों वीडियो में क्या होता है ना, एग्ज़ाम के बारे में, पेपर के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, आधी अधूरी रह जाती है और सैलरी की भी थोड़ी जानकारी कम रह जाती है। इस पर सैलरी पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है, पुलिस की फुल फॉर्म भी बताई गई है, पुलिस के लिए कौन सब्जेक्ट पढ़ें ये भी बताया गया है। तो आप इस साइट पर एक बार ज़रूर आइएगा। तो आइए दोस्तों आप जान लेते हैं कि पुलिस बनने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए और छाती यानी चेस्ट की साइज कितनी मांगी जाती है पुलिस के लिए भी, और मतलब पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि पुलिस बनने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों महिला और पुलिस दोनों की हाइट अलग अलग होनी चाहिए पुलिस बनने के लिए। देखिए ऊंचाई यानी हाइट की बात करें तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई जो है 107 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना यानी चेस्ट की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों से आने वाली अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं की जो है उनकी महिलाओं की हाइट और चेस्ट जब आप उस वेबसाइट पर जाओगे टू द इन्फॉर्मेशन वाली पे वहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए बस आपका रह गया एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको नहीं बताया अभी, और आपके पेपर के बारे में, पेपर आपका कौन कौन सा होता है ना, एग्ज़ाम कैसे होता है और सब्जेक्ट आपके कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी तो कोई देखेगा नहीं, इसलिए आपको उस साइट पर जो मैंने आपको साइट बताई है वहाँ पर विजिट कर लीजिए, काफ़ी अच्छी साइट है। मैंने भी वहीं से पोस्ट पढ़ा था, मुझे वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको भी वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक बार उस साइट पर जरूर जाइएगा अगर आपको पुलिस बनना है तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।